सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है, मैं माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए जहां एक ओर केंद्र और राज्य की सरकारें न्यूनतम मजदूरी तय कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर निजी कंपनियां इन मजदूरों का शोषण कर रही हैं। ऐसे में सरकार के मंसूबों को पलीता लगा रही हैं निजी कंपनियां, सिर्फ अपनी जेब भर रही हैं और अपने हक की आवाज उठा रहे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी कंपनियां केवल और केवल अपना फायदा देखती हैं और मजदूर न्याय मांगता है तो उसके साथ अन्याय होता है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे दैनिक मजदूरों का शोषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस शोषण के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है तो उसे निजी कंपनियां तानाशाही रवैया दिखाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बरेली जंक्शन का दिखा। 3 साल के बाद सफाई कर्मचारियों का टूटा सब्र का बांध। लगातार 3 साल से हो रहे शोषण के विरोध में आज रेलवे सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर अपने काम का विरोध करते हुए 3 दिन से धरने पर बैठ गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। जानकारी में ये आया कि 15,090 का वेतन केवल 5,000 देकर ही टरका दिया जा रहा था। अगर कोई कर्मचारी इसका विरोध भी करता था तो प्राइवेट कंपनी का ठेकेदार उनको नौकरी से निकालने की धमकी दे डालता। लगातार हो रहे उत्पीड़न को लेकर आज गुस्से में आए सफाई कर्मचारी अपने पूरे वेतन की मांग पर अड़ गए। इस विषय में जब उच्च अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उत्तर प्रदेश की किंग कंपनी के अंतर्गत बरेली रेलवे जंक्शन पर तैनात अधिकारी और रेलवे के कुछ अधिकारियों से साठगांठ भी सामने आ रही है। चलिए नहीं, 22 तारीख के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद कितनी बार मिल चुका? एक बार मिला है, 22 मार्च के बाद। भैया सब लोग सुन रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन हमारी सैलरी को लेके है। हमारे समस्त स्टाफ को यही है, एक सैलरी और एक पीएफ। दूसरा हमारी जो किट है आती है जो हमें मिलना चाहिए, कोरोना पॉजिटिव का ये चल रहा है इस समय, तो उसमें सारी जो मिलना चाहिए ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ों की मांग को लेकर, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं इसको धीरे धीरे, जिसमें सिर्फ एक बार सैनिटाइजर दिया गया है। ग्लव्स मास्क के नाम पे सब अपने अपने ग्लव्स और मास्क खरीद, वो भी बिल्कुल बेकार। मतलब कहने का मतलब नहीं है कि वो सैनिटाइजर है। और सैलरी तो 3 सालों से हम जो भुगतते चले आ रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया गया था कि हर 6 महीने बाद तनख्वाह बढ़ेगी, तो वो आश्वासन को अब वर्तमान समय में आपका वेतन कितना है इस समय? हमारे जो भाई लोग हैं उनका है 7200 अभी जो मिल रही है, जबकि सैलरी आती है 503 रुपए पर डे के साथ। 15,090 रुपए, मतलब 15,090 रुपए आती है। मिल रहे हैं 7200 रुपए। ऐसा क्यों? उसमें सर अब इन्वॉल्व है हमारे सीएचआई सर, वो तो उनका तो सबसे ज्यादा घोटाला वो समझ लो, वो किंग जोन बने पड़े हैं चाइना वाले यहाँ बरेली में। उनने इतना सितम कर रखा है लड़कों को, पर इतना टॉर्चर कर रखा है कि परेशान हो गया हर लड़का। आपने उनका सिवाय हम ये तबादले के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं। आपने इसकी शिकायत किसी प्रशासनिक अधिकारी या रेलवे के किसी अधिकारी से की है इससे वो पहले? वो हमें आश्वासन देते आते रहते थे हर बार कि हाँ इस बार नहीं, अगली बार तुम्हारा 6 महीने में तनख्वाह बढ़ जाएगा। हम भी सोचते थे कि हाँ चलो हमारे स्टाफ का मामला है, आज नहीं अगले महीने में। अब धीरे 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 इनका ये हमारा पूरा 2-3 साल होने। लगभग सफाई कर्मचारी स्टेशन पर कितने कार्यरत हैं? वैसे तो 107 हैं, 107 लेकिन आते नहीं है, मतलब आते क्या नहीं है, है नहीं, दिखाए 107 जाते हैं लेकिन है नहीं। मतलब दिखाए 107 जाते हैं, और वैसे कितने हैं? होंगे 70-85 लगभग। और मैं स्टेशन परिषद में ही काम करता हूँ, हमारे साथ आप देख रहे होंगे जितने लोग खड़े हुए हैं हमारे भाई। हमारी मांग सिर्फ कुछ नहीं है साहब, हमारा मेन जो मुद्दा यही है कि हमारी ऊपर से तनख्वाह आती 503 रुपए पर डे, 503 रुपए पर डे तनख्वाह आती है, रोज के पैसे हैं वेतन आता है, जिससे वेतन हमारा पूरा मिला के 15,090 है। उसके बावजूद हमारी सैलरी में 7200 रुपए डाले जाते हैं काट के, वो कहाँ कहाँ किस तरीके से कटता है ये हमें बिल्कुल नहीं पता। और उसके बावजूद साहब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग 22 मार्च से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं सर, और सबके पास इमरजेंसी पास हैं,
ड्यूटी के, उसके बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है किसी का वेतन नहीं कटेगा, जिसमें से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी स्टेटमेंट है कि किसी का पेमेंट नहीं कटेगा। उसके बावजूद साहब अब तक सारे लोगों का पेमेंट कटता ही चला है। कितने समय से आपको वेतन मतलब कम प्राप्त हो रहा है? हमें आज 3 महीने हो गए वेतन कम ही मिल रहा है। 3 साल से लोग झेल रहे हैं इस चीज को और 3 महीने अभी कंटिन्यू से ज्यादा कुछ हो गया जिसमें काटा गया और कोई देखभाल बिल्कुल नहीं है, जिसमें हमारे उनके उन्होंने हमें हमेशा बात करी गई है, बस हमें प्रस्ताव दे दिया, हम बस ऐसे कह दिया कि हाँ चलो मैं देख लूंगा आप लोग काम, हम लोग करते रहे। ये ठेका अभी आज से 2 महीने बाद खत्म होने वाला है साहब, जिसमें से पीएफ को लेके दिक्कत है। पीएफ में क्या है कि पीएफ का पैसा कभी भी सेफ नहीं आ रहा है, 6 महीने में 300, 400, 500, हर महीने 200 ऐसे करके कटता है, उसके बावजूद पता ही लगता है कि पीएफ में हमारा पैसा कैसे जा रहा है, कितना हो रहा है, किस हिसाब से कट रहा है, हमें बिल्कुल कुछ भी इस बारे में कोई पता ही नहीं। और हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को कहा है, नहीं हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं हुई, जिससे हम लोगों ने 2 दिन से आज हम लोग हड़ताल पे हैं और पूरे ऑब्जेक्शन का मायना कर सकते हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा, सब काम ठप है। क्यों? हमारी जब मांग को हमने यही रखा, जब हमारी ऊपर से 1590 जो रुपए आ रही है वो हमें मिलना चाहिए, उसमें हमने जिसमें से कल भी हमारी बात हुई थी मैनेजर साहब से, तो वो कह रहे ठीक है हम इतने कर देंगे, 200 बढ़ा देंगे, 100 बढ़ा देंगे कि आपको 300 के हिसाब से रोज का दे देंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा जो हमारी पेंशन ऊपर से सैलरी आ रही है वो हमें दी जाए और हम काम पे आने के लिए तैयार हैं, जिसमें से अभी 12,000 पर श्री आशीष राय ने मैनेजर साहब ने हमारे कहा नहीं 15,000 अभी आप कुछ रुपए बता रहे हैं, लेकिन 12,000 पर क्यों तय हुआ, ऐसा क्यों साहब? इसमें से हम लोगों ने यही सोचा है कि कुछ प्रेशर से भी सोचा है वैसे भी कि चलो कहा गया है कि भाई किसी का टेंडर पास होता है तो उसकी कमीशन भी है, फिर ऊपर से ड्रेस का है, किट का है, कोई खर्चा नहीं, ये तो सरकारी सुविधाएं ऊपर से ही प्राप्त होती होंगी ना? तो साहब ये तो हमें नहीं बताया जा रहा है कि इन्हें ऊपर से इतना आ रहा है, हमें तो ये दिखाया जा रहा है कि इतना आ रहा है और इसमें से हमें इतना दिया जा रहा है। ये करोड़ों रुपए का घोटाला करने में सफल हुए हैं और सफाई कर्मचारी अब केंद्र और राज्य सरकार से ही आस लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार इन पर कोई कठोर कार्रवाई करेगी और ऐसी कंपनियों को ठेका ना देकर ईमानदार कंपनियों को ठेका दिया जाए, जिससे कम से कम पूरे दिन मजदूरी कर रहे मजदूरों को उनका पूरा वेतन और पीएफ समय पर मिल सके, जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। लॉकडाउन के दौरान ना हो किसी को परेशानी, इसलिए एसडी वेब सॉल्यूशंस ने बनाई है www.lockdownseva.in नाम की वेबसाइट। अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है तो फ्री में रजिस्टर करवा के आप लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को जरूरत की दवाइयां या राशन भिजवा कर मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप www.lockdownseva.in के जरिए जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। एसडी वेब सॉल्यूशंस, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9557839210।